तो ये है हमारे कृष्णा भाई एमपी से, कुलचा फेमस प्लस गोलगप्पा फेमस। तो कितना गोलगप्पा लग जाता है एक दिन में? लग जाता है कोई 1000। क्या बात है। तो देखो कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं इनसे स्पेशली कुलचा खाने। आप क्या खाने आए हो? हम कुलचा खाने हैं। तो कैसा टेस्ट है इनके कुलचे का? बहुत टेस्ट है। हाँ। 3 सालों के कृष्णा जी को इधर कुलचा लगाते हुए। हाँ। तो जब से जहाँ कुलचा लगाते हैं हम सुंदरबन शहर नहीं जा रहे खाने के लिए। अच्छा, मतलब इतना टेस्टी है? बहुत टेस्टी। सर आप क्या रिव्यू देना चाहोगे? ये बहुत अच्छा कुलचा है, हाइजीनिक है और ताज़ा बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, साफ सफाई है। मक्खन भी देखो कितना ज्यादा लगाते हैं। मक्खन अमूल का लगाते हैं? अमूल का मक्खन है। देखो जिसने कृष्णा भाई के हाथ का कुलचा खाया है या गोलगप्पे खाए, कमेंट में कृष्णा का नाम जरूर लिखना। गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। गोलगप्पे बहुत बढ़िया। कृष्णा भाई क्या कहना चाहोगे? अच्छा कितनी देर हो गया आगे आपको यहाँ पे? हो गए 9-10 साल। 10 साल। शादी की हुई है? हाँ। शादी भी यहीं से तो नहीं कर दी है? शादी यहाँ से नहीं की है। हाँ। एमपी के थे? एमपी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? ग्वालियर। ग्वालियर से? क्या बात है। ये देखो जी कुलचा तैयार हो गया। क्या क्या डाला है इसकी वजह? पहले बताना। इसमें नींबू है। नींबू है और प्याज टमाटर। प्याज टमाटर और हरी मिर्ची और बाकी मसाले मिक्स। मसाले मिक्स। ज्यादा मसाला तो नहीं डालते? नहीं सर। अच्छा ये कौन से? देखो ये हमारी तहसील मार्केट है, वो बात अलग है कि अभी यहाँ का नक्शा बदल गया वो तहसील मार्केट का। हाँ। तो पहले ये सुबह हाई सेकेंडरी भी लगाते हैं, वहाँ से चलते चलते जो है सभी लोगों को खिला के लास्ट इनका जो स्टेशन है वो तहसील है ना जी। तहसील में कितने बजे तक रहते हो? रात को 9 बजे तक। ठीक है जी। तो जिसको भी गोलगप्पे खाने या कुलचा खाना है तो वो कृष्णा भाई का यहाँ आ सकते हो तहसील में। यहाँ पे कितने बजे पहुँचते हो तहसील में? इधर से शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे तक। ठीक है, 4 से 9 यहाँ तहसील में। उससे पहले हायर सेकेंडरी में। उधर कितने बजे पहुँचते हो? 1 बजे से 3 बजे तक। 1 से 3 बजे तक। ठीक है। तो भाई ये रही इनकी टाइमिंग। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है इनका, कई बार तो कस्टमर देख देख के 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है। चलो हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज वेट नहीं करना पड़ा। ओके सो 1 लाइक इनके लिए। थैंक यू वेरी मच।